आज लाभ पंचमी का अवसर है और दीपावली के 5 दिन बाद यह महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। देश और दुनिया में लाभ पंचमी की धूम रहती है और कई जो राज्य हैं उनमें कारोबार लाभ पंचमी से शुरू करते हैं और बहुत ही आनंद ठाट के साथ में सभी उद्योगपति हो या व्यापारी हो अपना कारोबार लाभ पंचमी से शुरू करते हैं और मंदिरों में देव मंदिरों में खूब उत्सव होते हैं लाभ पंचमी के। क्या उत्सव हो रहे हैं और क्या लाभ पंचमी के आयोजन हो रहे हैं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। खूब धूमधाम से कुमाऊं समाज जिलों की नगरी उदयपुर के द्वारा लाभ पंचमी पर शोभा यात्रा निकाली गई है और पूरा समाज जुड़ा है। मां प्रसादी का आयोजन होने जा रहा है और खूब ठाट बाट से ठाकुर जी को अन्नकूट भी अरोगाया जा रहा है।
लाभ पंचमी के अवसर पर होने वाले इस महोत्सव के तहत भगवान के ठाकुर जी के मंदिर को भी लगदग विद्युत रोशनी से सजाया गया और मालाओं से, विभिन्न रंगों की मालाओं से ओट दिया मंदिर को, और खूब आनंद ही आनंद आया जब दर्शन हुए ठाकुर जी के। चार भुजा जी के दर्शन करके खूब अभिभूत हुए भक्त, विविध रूपों में ठाकुर जी का श्रृंगार कराया गया है और ध्वजारोहण भी किया गया। विभिन्न रूपों में महाप्रसाद अरोगया गया ठाकुर जी को और खूब भक्तगण प्रसन्न हुए और ठाट बाट के साथ में रेवाड़ी का आनंद भी लिया। पंचमी का अवसर है और दीपावली के 5 दिन बाद यह महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। देश और दुनिया में लाभ पंचमी की धूम रहती है और कई जो राज्य हैं उनमें कारोबार लाभ पंचमी से शुरू करते हैं और बहुत ही आनंद ठाट के साथ में सभी उद्योगपति हो या व्यापारी हो अपना कारोबार लाभ पंचमी से शुरू करते हैं और मंदिरों में, देव मंदिरों में खूब उत्सव होते हैं लाभ पंचमी के। क्या उत्सव हो रहे हैं और क्या लाभ पंचमी के आयोजन हो रहे हैं, देखिए हमारे साथ ये खास खबर। जिलों की नगरी उदयपुर के कुमाऊं समाज में लाभ पंचमी का महोत्सव धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ पर ठाकुर जी की शोभा यात्रा भी निकलती है और ध्वजारोहण होता है और खूब आनंद ठाट से ठाकुर जी को अन्नकूट का महाप्रसाद अरोगाया जाता है और बहुत ही आनंद ठाट के साथ में महिलाएं खूब नृत्य करती है, गीत गाती हैं, भजन गाती हैं। यहाँ पर क्या आयोजन हो रहे हैं, समाज के अध्यक्ष हैं कुमाऊं साहब के, कुमाऊं समाज के, बताएं आप क्या विशेष रूप से यहाँ आयोजन हो रहे हैं। ये बरसों से बाप दादाओं के जमाने से चार भुजा मंदिर में ध्वजा का कार्यक्रम होता है। गत 5 साल पूर्व चार भुजा मंदिर का जीर्णोद्वार हुआ, उसके पश्चात समाज ने यह निर्णय लिया है कि दीपावली के बाद लाभ पंचम को अन्नकूट और ध्वजा आरोहण का और समाज के, पूरे समाज की महाप्रसादी का आयोजन होना चाहिए। इस प्रकार हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी लाभ पंचमी पे ये यात्रा और ध्वजा आरोहण का कार्यक्रम, महाप्रसादी का अन्नकूट का प्रोग्राम रखा गया है जिसमें समाज के सभी महिलाएं, बंधु पुरुष और बच्चे सभी जने उत्साह से भाग लेते हैं और ये एक धार्मिक पर्व है। उत्साह यहाँ पे आम जन, हाँ, लाभ पंचमी के दिन हमारे कुमाऊं पंचायत मंडी द्वारा ध्वजारोहण का कार्यक्रम, अन्नकूट और सारा प्रोग्राम होता है। यहाँ पे हम ठाकुर जी के आरती निकालते हैं, चारों तरफ इसकी जय जयकार होती है और लोगों में, समाज के महिलाओं में और पुरुषों में बहुत जोश है। जैसा कि एक बहुत बड़ा दीपावली का पर्व होता है, इसी तरह हम ठाकुर जी की आरती करते हैं, ध्वजारोहण करते हैं और अन्नकूट का प्रोग्राम करते हैं। आनंद आ रहा है आज, बहुत अच्छा आनंद आ रहा है। ऐसा प्रोग्राम हमेशा होता रहे तो और मस्त लगे, अच्छा लगे। आप बताओ, लाभ पंचमी पर बहुत अच्छा प्रोग्राम होता है, समाज की महिलाओं द्वारा आगे स्तर पे आके हर तरह से प्रोग्राम करते हैं। आप बताओ, समाज का बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है और कलश यात्रा निकली है। बताओ,
कैसा आनंद है? बहुत बढ़िया आनंद आ रहा है। ध्वजारोहण का पूरी यात्रा निकलती है, अन्नकूट होता है, आरती होती है। बताओ कैसा आनंद है? हर वर्ष की भांति इस बार भी लाभ पंचमी पर सुबह यात्रा निकाली जाती है, माँ विसर्जी होती है, ध्वजारोहण होता है, ध्वजारोहण होता है, उसके बाद में अन्नकूट होता है, अन्नकूट बाद में पूरा कुमाऊँ पंचायत की सामूहिक प्रसादी होती है और उसमें बुजुर्ग नवयुवक छोटे से बड़े सभी भाग लेते हैं। 4 बजे हाँ बताओ 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 बोलिए। बहुत अच्छा प्रोग्राम है। 4 बजे मंदिर कलश यात्रा भी निकली, राम रेवाड़ी भी निकली, बहुत अच्छा। और भजन कीर्तन का 4 बजे आयोजन किया गया है। हाँ बोलो। 4 बजे भजन का आयोजन किया गया है लाभ पंचमी के अवसर पर, और 6 बजे बाद आरती का रखा गया। का अवसर है और खूब धूमधाम से कुमाऊं समाज जिलों की नगरी उदयपुर के द्वारा लाभ पंचमी पर शोभा यात्रा निकाली गई है और पूरा समाज जुड़ा है। मां प्रसादी का आयोजन होने जा रहा है और खूब ठाट बाट से ठाकुर जी को अन्नकूट भी अरोगाया जा रहा है। बस